हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तेगुक एफएफ हिंदी स्कूल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगुक फैनफिक्शन व्हेन ए प्रोफेसर बिकम ऑब्सेस्ड विद हिज नॉटी स्टूडेंट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। त्यांग जोंगकुक को अपने साथ लेकर जाते हैं। जोंगकुक बहुत खुश भी है लेकिन वो थोड़ा सा अपसेट भी है क्योंकि अपने दोस्तों के साथ वो इस खुशी को एंजॉय करना चाहते थे लेकिन अपनी फियोंसे को वो नाराज नहीं कर सकते हैं क्योंकि जोंगकुक त्यांग से प्यार करते हैं। तो फिर त्यांग जोंगकुक को बोलते हैं, बनी बॉय क्या हुआ, तुम इतना अपसेट क्यों लग रहे हो? क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो कि हम दोनों साथ में डेट करने वाले हैं और बहुत मज़ा आएगा? क्या तुम नहीं चाहते हो ऐसा? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम मुझे पहले ही बोल दो तो मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए छोड़ देता हूँ। जोंगकुक बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ यही सोच रहा था कहीं वो लोगों को बुरा ना लग जाए कि मैंने उन लोगों के साथ पार्टी करने के बारे में बोल रहा था, लेकिन मैं खुद ही वहाँ पे नहीं हूँ। त्यांग बोलते हैं, हाँ मैं समझ गया, चलो तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के पास छोड़ कर आता हूँ। जोंगकुक बोलते हैं, क्या आप मुझे मेरे दोस्तों के साथ छोड़ कर आने वाले हो? तो आप उसके बाद क्या करने वाले हो? त्यांग बोलते हैं, और क्या, मैं अपने घर चला जाऊँगा और जाकर सो जाऊँगा क्योंकि मेरे पास कोई और काम नहीं है। मैंने पूरा दिन तुम्हारे लिए फ्री कर लिया था, सारी मीटिंग और सब कुछ कैंसिल कर दिया था तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और तुम्हारे साथ डेट पे जाने के लिए, लेकिन तुम तो नहीं जाना चाहते हो। मुझे अगर पता होता तो मैं अपनी इतना इम्पोर्टेंट मीटिंग कैंसिल नहीं करता। चलो कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए इतना कर ही सकता हूँ। आखिर में मेरी बानी को जिस चीज से खुशी मिलती है मुझे तो वही करना चाहिए, है ना? तो तुम्हारी खुशी अगर मेरे साथ नहीं है, अपने दोस्तों के साथ है, तो वही सही। चलो मैं तुम्हें उनके पास छोड़कर आता हूँ। जोंगकुक बोलते हैं, नहीं नहीं आप गलत सोच रहे हो, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छा लगता है। त्यांग बोलते हैं, हाँ हाँ मैं समझ गया बनी बॉय, मैं नाराज़ नहीं हूँ, तुम मेरा यकीन करो, मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। तुम अगर चाहते हो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और तुम्हें अपने दोस्तों के पास छोड़ कर आता हो, ठीक है? जोंगकुक बोलते हैं, नहीं नहीं रुक जाइए, मुझे आपके साथ जाना है और अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करना है, ना कि मेरे दोस्तों के साथ। वो तो मैं रात को भी कर सकता हूँ क्योंकि रात को हम लोग क्लब पे पार्टी करने वाले हैं। त्यांग बोलते हैं, क्या सच बोल रहे हो? तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, तो अब तुम मेरे साथ जा सकते हो, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे और थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, ओके? तो कुकी बोलते हैं, ठीक है तो मैं तैयार हूँ, इससे मेरे दोस्त भी खुश हो जाएंगे और आप भी। त्यांग बोलते हैं, नहीं अगर तुम खुश नहीं हो मेरे साथ डेट पे जाने के लिए तो मुझे तुम्हें डेट पर नहीं लेकर जाना है जोंगकुक, जब भी तुम्हारा मन करेगा तब हम दोनों साथ में जाएंगे, ठीक है? अब तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, मेरा मूड खराब हो गया है। तो जोंगकुक बोलते हैं, क्या आपका मूड क्यों खराब हो गया है? अब मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, मैंने मना कब किया है? मैं आपको कभी मना नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये आप भी जानते हो। तो त्यांग बोलते हैं, अब तुम्हें मेरा मूड ठीक करना होगा, तुम अगर मेरे मूड को अच्छा कर सकते हो तो कर लो, तो फिर मैं सोचूंगा तुम्हारे साथ डेट पे जाने के लिए। तो फिर जोंगकुक सोचना शुरू करते हैं कि वो ऐसा क्या करेगा जिससे त्यांग खुश हो जाए और उसके साथ हैप्पीली डेट पे जा सके। तो फिर जोंगकुक थोड़ी देर बाद त्यांग की गाल पे एक किस करते हैं जिसे त्यांग फिर भी मुस्कुराता नहीं है। तो जोंगकुक बोलते हैं, क्या आपको इससे खुशी नहीं मिली? त्यांग थोड़ी देर सोचने के बाद बोलते हैं, नहीं मुझे इससे खुशी नहीं मिली, तुम थोड़ा सा और बेटर कर सकते हो। जोंगकुक बोलते हैं, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे आप खुश हो जाओगे? त्यांग अपने होठों की तरफ इशारा करते हैं। तो फिर जोंगकुक मुस्करा के बोलते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो। तो जोंगकुक की बात सुनकर त्यांग बोलते हैं, तुमसे ज़्यादा नहीं, तुम मुझसे ज़्यादा नॉटी हो। तुम्हें याद है कि तुमने मुझे सीडियोस करने के लिए एक बार बहुत ही गंदा वाला स्टिकर भेजा था जब हम दोनों का चैट पर बात हुआ करते थे? जोंगकुक तुम्हें याद है क्या? जोंगकुक बोलते हैं, हाँ मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूँ। त्यांग बोलते हैं, तब तो तुम बहुत ही नॉटी बातें करते थे कि मैं जब तुम्हारे सामने होंगे
तो तुम मेरे साथ बहुत कुछ करने वाले हो, मुझे किस करने वाले हो। अब तुम मुझे कहाँ किस करने वाले थे, क्या तुम वो भी भूल गए हो क्या, या मैं तुम्हें याद दिलाऊँ? हाँ, तो जंको बोलते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने क्या कहा था। तो त्यांग बोलते हैं, तो तुम्हें मुझे खुश करने के लिए इतना सोचना क्यों पड़ रहा है जंको? तुम तो ये बहुत पहले ही कर चुके होते अगर तुम्हें मुझे खुश करना होता। चलो कोई बात नहीं, अब मैं कार चलाना शुरू करता हूँ, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से अपने दोस्तों पर है। तुम तो मेरे साथ डेट पर जाना भी नहीं चाहते थे। तो जंको बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। त्यांग कार स्टार्ट करने वाले थे। जंको त्यांग की हैंड पकड़ लेते हैं। त्यांग बोलते हैं, जंको क्या कर रहे हो तुम, मुझे कार स्टार्ट करने दो, मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के पास छोड़कर आना चाहता हूँ। जंको त्यांग को बोलते हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? त्यांग जंको को बोलते हैं, क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती करके मेरे साथ डेट पर नहीं लेकर जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ खुश होकर डेट पर जाओ और इन्जॉय करो, लेकिन तुम बिल्कुल खुश नहीं लग रहे हो, तुम्हारी फेस से पता चल रहा है कि तुम कितना सैड हो। तो जंको मुस्करा के बोलते हैं, मैं बिल्कुल सैड नहीं हूँ, अब जो मैं करने वाला हूँ क्या आप उसके लिए तैयार हो? तो त्यांग बोलते हैं, तुम क्या ही कर सकते हो, मुझे नहीं यकीन है तुम पे, तुम कुछ नहीं करने वाले हो, सिर्फ मुझे ऐसे ही खुश करने के लिए बोल रहे हो, है ना? जंको अपनी सीट बेल्ट खोल लेते हैं। तो त्यांग बोलते हैं, क्या कर रहे हो, क्या तुम कार से उतारने वाले हो क्या, ऐसा मत करो, चलो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तो फिर जंको त्यांग की लैंप पर जाकर बैठ जाते हैं और त्यांग को बोलते हैं, अब आपको कुछ बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये बात बोलते ही जंको त्यांग को किस करना शुरू करते हैं। त्यांग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि जंको बहुत ही हॉट तरीके से त्यांग को किस कर रहा था, जिसे त्यांग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। त्यांग अब बहुत ज़्यादा खुश है कि उसको जंको इतना प्यार करते हैं, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं कहीं पे भी। जैसे ही त्यांग ने कहा, जंको कार पे ही उसको किस करना शुरू कर दिया है। बहुत देर तक किस करने के बाद जंको किस ब्रेक करते हैं, उसके बाद त्यांग की पूरी फेस पे किस करना शुरू करते हैं। उसके बाद जंको त्यांग की एयर पे अपनी टांग से सक करना शुरू करते हैं, क्योंकि त्यांग की एयर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। जैसे ही जंको त्यांग की एयर पे अपनी टांग से सक कर रहा था, त्यांग हॉट फील करना शुरू कर देते हैं। अब जंको को त्यांग अपनी गोद में बहुत ही टाइटली पकड़ के रखते हैं। उसके बाद जंको त्यांग की गले पे किस करना शुरू करते हैं और त्यांग की शोल्डर पे एक बहुत ही प्यारा सा लव बाइट बनाते हैं, जिससे त्यांग अब बहुत ही खुश हो जाते हैं, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही त्यांग की गले पे लव बाइट बनाते हैं, जंको अब त्यांग से अलग होने वाले थे, लेकिन त्यांग ने उसको बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा। जंको बोलते हैं, आप मुझे छोड़ भी दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर तक ये सब कुछ करना ठीक नहीं है और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। त्यांग बोलते हैं, अब तुम अधूरा नहीं छोड़ सकते हो, मैं अब पूरी तरह से हॉट हो गया हो और तुम चाहते हो कि मैं कार ड्राइव करूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ जंको। जंको त्यांग को बोलते हैं, तो ठीक है मैं कार ड्राइव कर लेता हूँ, आप इस तरफ आकर बैठ जाइए। त्यांग बोलते हैं, नहीं मैं इतनी आराम से भी नहीं बैठ पाऊँगा, तुम मेरी बातों को समझो। जंको बोलते हैं, क्या मतलब? त्यांग बोलते हैं, तुम ना समझ बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो जंको, तुम मुझे इस तरह से नहीं छोड़ सकते हो, बात बहुत आगे बढ़ गई है, अब तुम्हें मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश करना होगा और इसके लिए मैं तुम्हें प्लेजर करने वाला हूँ। जंको बोलते हैं, अभी कार पे बिल्कुल नहीं। त्यांग बोलते हैं, क्यों बेबी, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, चलो मैं तुम्हें प्लेजर करता हूँ। जंको बोलते हैं, क्या करने वाले हो आप? त्यांग जंको की तरफ बहुत ही हॉट तरीके से देख रहा था और अपनी टंग को अपनी लिप पर स्लाइड करते हैं और अपने होठों को बाइट करके बोलते हैं, जंको अब मैं तुम्हें खाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे तुम चाहिए और मैं तुम्हारे साथ इतना कुछ करूँगा कि तुम याद रखोगे कि कार पे लव मेकिंग करना कितना ज़्यादा रोमांटिक है। जंको बोलते हैं, क्या आप सीरियस हो इसको लेकर? त्यांग बोलते हैं, बिल्कुल, क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या आइडिया, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। जंको बोलते हैं, नहीं नहीं मुझे यहाँ पे ये सब कुछ नहीं करना है। त्यांग बोलते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। जंको को
पीछे की सीट पर लेकर जाते हैं और पीछे की सीट पर जाने के बाद वो जंगकुक की शर्ट को खोलने लगते हैं। जंगकुक त्यांग को मना कर रहा था लेकिन त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, तुम मुझसे प्यार करते हो तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? हाँ तो तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो? और तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद तुम ये चाहते हो कि मैं नॉर्मल हो जाऊँ? नहीं हो सकता है। तो साइड से दूसरी कार के जाने का आवाज़ सुनते हैं जंगकुक, जिससे वो घबरा जाते हैं और वो बोलते हैं, ऐसा मत कीजिए, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, हम प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। लेकिन त्यांग बोलते हैं, तुम्हें इतना फिक्र क्यों हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बोलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जंगकुक बोलते हैं, अब क्या कर रहे हो? क्योंकि त्यांग ने अपने हाथों से जंगकुक की बॉडी को पिंच कर रहा था। उसके बाद त्यांग जंगकुक की चेस्ट पर सक करना शुरू करते हैं और जैसे ही बाइट करते हैं जंगकुक आवाज़ करते हैं, लेकिन फिर भी त्यांग नहीं रुकते हैं। तो जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, ऐसा मत कीजिए वरना बाहर से कोई सुन लेगा। त्यांग बोलते हैं, ठीक है। वो कार की म्यूज़िक ऑन करते हैं और उसको बहुत ही लाउड कर देते हैं जिससे कि बाहर से कोई सुन ना सके। और उसके बाद त्यांग जंगकुक के साथ लव मेकिंग करते हैं। तो फिर ये दोनों जैसे ही लव मेकिंग करना ख़त्म करते हैं, त्यांग जंगकुक और खुद को टिश्यू से साफ कर लेते हैं और दोबारा से कपड़े पहन लेते हैं और अब दोनों ही सामने आकर बैठ जाते हैं। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शाई फील कर रहा था क्योंकि उसको कार पे ऐसा कुछ नहीं करना था, लेकिन जो भी हुआ जंगकुक को भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो त्यांग से प्यार करते हैं और इन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ एक दूसरे की मर्जी से ही हुआ है। भले ही जंगकुक ने बहुत बार मना किया है, वो सिर्फ यही सोचकर मना कर रहा था ताकि बाहर से कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा। त्यांग बोलते हैं, बेबी क्या तुम नाराज़ तो नहीं होना मुझसे? बनी बॉय क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, सच बोलना। तो जंगकुक बोलते हैं, नहीं मैं नाराज़ तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा था अगर कोई बाहर से सुन लेगा तो क्या सोचेगा हमारे बारे में, और कुछ नहीं वरना मुझे बहुत अच्छा लगा। और तो त्यांग बोलते हैं, बेबी तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जब भी मन करेगा मैं तुम्हें ऐसे ही प्लेजर करूँगा, ठीक है। उसके बाद जंगकुक मुस्कुराता है और त्यांग जंगकुक की फोरहेड पे किस करते हैं। सो गाइस इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना और पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।